जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी कश्मीर की बेहद खूबसूरत वादियों और स्नो में एंजॉय करना चाहते हैं और दोस्तों आप भी जाना चाह रहे हैं पटनी टॉप, तो दोस्तों ये वीडियो आपकी इस खूबसूरत और शानदार ट्रिप में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में पटनी टॉप से रिलेटेड ए टू जेड फुल जानकारी आपके साथ में शेयर की जाएगी, जिससे आप अपनी पटनी टॉप ट्रिप को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप पटनी टॉप कैसे पहुंच सकते हैं, अगर आप यहां पर स्टे करना चाहते हैं तो आपको होटल कैसे मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आप पटनी टॉप में कहां कहां घूम सकते हैं, पटनी टॉप घूमने का सबसे सही और अच्छा तरीका क्या रहेगा, और दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि यहां पर खाने पीने की कैसे फैसिलिटी है, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि यहां पर घूमने में आपका कितना खर्च हो सकता है। इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके और डिटेल के साथ में आपके साथ में शेयर करेंगे, जिससे आप अपनी पटनी टॉप ट्रिप को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पटनी टॉप की मनमोहक और दिल खुश कर देने वाली हसीन वादियों की सैर कराने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे आप अपनी इस प्यारी सी पटनी टॉप ट्रिप को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। दोस्तों, अगर भविष्य में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं आपके लिए कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आपके एक लाइक से हमें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी पटनी टॉप ट्रिप को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप पटनी टॉप कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है। जम्मू आने के बाद में आप टैक्सी या बस के माध्यम से 115 किलोमीटर की दूरी पूरी करके आप आराम से पटनी टॉप आ सकते हैं। टैक्सी में आपसे 2500 से 3000 का चार्ज करते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट बस जम्मू से पटनी टॉप के लिए मिल सकती है। अगर डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप पहले जम्मू से उधमपुर और फिर उधमपुर से आप आराम से पटनी टॉप तक आ सकते हैं। इस दूरी को पूरा करने में लमसम आपका बस के माध्यम से 100 से 150 रुपए खर्च होने वाला है। दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं, यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उधमपुर है। यहाँ से पटनी टॉप की दूरी मात्र 45 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप बाई बस मात्र 70 से 80 रुपए में पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लिए जो बेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू रेलवे स्टेशन। जम्मू की कनेक्टिविटी दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट उधमपुर के लिए ट्रेन नहीं है तो आप आराम से जम्मू तक आ सकते हैं। जम्मू से आप बाई बस या प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके शहर से डायरेक्ट जम्मू या पटनी टॉप के लिए बस है तो आप बस के माध्यम से भी यहां तक आ सकते हैं। दोस्तों, पटनी टॉप घूमने जाने वाले जो मैक्सिमम टूरिस्ट होते हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में एक या दो दिन के लिए पटनी टॉप एंजॉय करने जाते हैं। दोस्तों, आपको पटनी टॉप में जो मैक्सिमम टूरिस्ट मिलेंगे वो पहले माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद में एक दो दिन के लिए पटनी टॉप एंजॉय करने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के बाद में पटनी टॉप एंजॉय करने जा रहे हैं तो दोस्तों आप कटरा से भी बहुत अच्छे तरीके से पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। यहां से आपके पास में बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिससे आप पटनी टॉप बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो कुछ टूर एंड ट्रेवल्स वाले बाई बस से भी आपको पटनी टॉप तक आराम से पहुंचाते हैं, जिसमें आपको सुबह ले जाते हैं और शाम को आपको वापस कटरा छोड़ देते हैं, जिसमें आपसे मात्र 300 से 350 का चार्ज किया जाता है और बड़े आसानी से आपको पूरे दिन घुमा के और शाम को कटरा में छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। टैक्सी में आपसे 2500 से 3000 तक का चार्ज करते हैं, पूरे दिन आपको आराम से घुमाते हैं और शाम को आपको कटरा में छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप शेयर टैक्सी से भी जा सकते हैं। शेयर टैक्सी में आपसे 500 रुपए पर हेड चार्ज करते हैं, पटनी टॉप के सभी साइट सीन को दिखाने के बाद में शाम को आपको कटरा में छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप टूर एंड ट्रेवल के पैकेज से भी जा सकते हैं, जिसमें आप वन नाइट स्टे भी कर सकते हैं, जिसका आपसे 3500 से 4000 तक का चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपका होटल इंक्लूड नहीं रहता है। अगर आप होटल भी इंक्लूड करना चाहते हैं फिर आपका चार्ज जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छा दोस्तों यही रहता है कि आप ऐसे जाएं, दो दिन वहां पे घूमें और एक नाइट स्टे करें और होटल आप दोस्तों अपने हिसाब से वहां पर लें। ये दोस्तों आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर दोस्तों आपको कटरा से डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप पहले कटरा से उधमपुर और फिर उधमपुर से आप आराम से पटनी टॉप तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपका लमसम 150 से 200 रुपए का किराया लगेगा और आप आराम से जो है कटरा से पटनी टॉप तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बहुत ही प्यारे जगह पे जिसका नाम है पटनी टॉप। अगर दोस्तों आप पटनी टॉप में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो अब हम लोग जानते हैं कि आप यहाँ पे होटल या कॉटेज कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर आराम से 1000 से 5000 तक में अलग अलग होटल आसानी के साथ में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो 80% टूरिस्ट ऐसे होते हैं वो एक दिन पटनी टॉप एंजॉय करने के बाद में शाम को कटरा या जम्मू वापस हो जाते हैं।
दोस्तों अगर आप भी उसी दिन वापस होना चाहते हैं तो यहाँ पर होटल या कॉटेज लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे हट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरी फैमिली के लिए एक हट प्रोवाइड की जाती है, जिसका आपसे 3,000 से 4,500 तक का किराया लिया जाता है। दोस्तों आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी, आप जब भी यहाँ पर आएँ तो पहले से ही ऑनलाइन होटल या कॉटेज बुक करके आएँ। लेकिन दोस्तों यहाँ का लोकेशन थोड़ा सा अलग रहता है, आप अपना लोकेशन ज़रूर चेक कर लें कि पटनी टॉप से आपका होटल कितनी दूरी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि आप पटनी टॉप में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों पटनी टॉप अपनी मनमोहक वादियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप स्नो लवर हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्नो भी मिलेगी। स्नो का जो बेस्ट टाइम रहता है वो दोस्तों दिसंबर से लेकर मार्च तक रहता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लास्ट मार्च में भी आपको यहाँ पर अच्छे से स्नो मिल जाती है, लेकिन जो बेस्ट टाइम है दोस्तों वो दिसंबर जनवरी फरवरी ही रहता है। अगर आप इन बीच में आते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्नो मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि आप पटनी टॉप में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों कुछ जगह ऐसी हैं जिसे आप पैदल ट्रैकिंग करके भी पूरा कर सकते हैं, तो दोस्तों कुछ जगह ऐसी हैं जिसे आप बाई टैक्सी के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। दोस्तों पटनी टॉप की अनोखी और खूबसूरत वादियाँ आपका दिल खुश कर देने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले प्लेस पे। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं चिल्ड्रन पार्क में। दोस्तों आप यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में बच्चों के लिए ये दोस्तों एक पिकनिक स्पॉट रहता है। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे झूले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से सेल्फी पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और अपनी इस प्यारी सी ट्रिप को और भी ज़्यादा प्यारा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप विंटर के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पर पूरा पार्क जो है स्नो से भरा रहता है। आप यहाँ पर स्नो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर इको पार्क में एंजॉय करने जा सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर आप स्लाइडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर स्लेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप ट्यूब स्लाइडिंग कर सकते हैं। बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, साथ ही साथ आप बहुत से स्नो गेम्स भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आप पटनी टॉप में हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। हॉर्स राइडिंग यहाँ की बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहती है। हॉर्स राइडिंग के लिए आपसे 500 से 600 रुपए लेते हैं, जिसमें आपको 5 से 6 पॉइंट्स को कवर कराते हैं। दोस्तों हॉर्स राइडिंग में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हॉर्स राइडिंग जरूर करें। दोस्तों आप पटनी टॉप के फेमस प्लेस स्काई व्यू पॉइंट्स में भी जा सकते हैं। दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए आप रोपवे का भी सहारा ले सकते हैं। दोस्तों अगर रोपवे के किराए की बात करें तो सिंगल ट्रिप का आपसे 600 से 650 रुपए लेते हैं। दोस्तों अगर राउंड ट्रिप आप पूरा करना चाहते हैं तो इसका आपको 700 से 750 रुपए पे करना रहता है। दोस्तों यहां पर आप हिमालय की रेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहां की अनोखी वादियां आपका दिल खुश कर देंगी। दोस्तों आप यहां पर कश्मीर की प्यारी प्यारी वादियों को दूरबीन के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहां पर आते हैं तो आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। बहुत ही प्यारी प्यारी वादियां हैं। दोस्तों आपको यहां पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। दोस्तों आप यहां पर स्थित प्राचीन नाग मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यहां का फेमस टेम्पल है और साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। कहते हैं कि ये 600 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर नाग पंचमी के टाइम पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। आप यहाँ पर आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन जरूर करें। दोस्तों अगर आप सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर स्नो ड्रेस जरूर ले लें, जिसका चार्ज रहता है 350 से 400 रुपये तक, और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें शूज़ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। दोस्तों इस ड्रेस में आप अच्छे से स्नो को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे अपने होटल में, एक नाइट यहाँ पर स्टे करेंगे और दोस्तों सुबह हम लोग चलेंगे अपने दूसरे प्लेसेस को कवर करने के लिए। तो दोस्तों दूसरे दिन अब हम लोग चलेंगे नाथा टॉप। दोस्तों नाथा टॉप पटनी टॉप से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आप टैक्सी या कार के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये पटनी टॉप का बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको हरियाली मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं। आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों बहुत से स्पोर्ट्स को भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ से हिमालय और शिवालिक रेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से निहार सकते हैं। दोस्तों आप मत्था टॉप में भी एंजॉय करने जा सकते हैं, ये भी पटनी टॉप का एक फेमस प्लेस रहता है। दोस्तों आप सानासार लेक में एंजॉय करने जा सकते हैं। दोस्तों पटनी टॉप से सानासार लेक की दूरी जो है 20 किलोमीटर है, जिसे आप प्राइवेट टैक्सी या कार के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर बहुत प्यारी लेक बनी है। इस लेक में आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप वाटर बलून में एंजॉय कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप सानासर लेक के पास में घूमने आते हैं तो दोस्तों आप अपनी ट्रिप को और भी ज़्यादा शानदार बनाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मैदान हैं, यहाँ पे गोल्फ का मैदान है, आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, आप पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे हॉट एयर बलून में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये एक पिकनिक स्पॉट है, आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोग्राफी भी यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों आप इस तरीके से बड़े ही अच्छे से इन सभी प्यारी प्यारी जगहों को कवर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटी है। आप यहाँ पर वेज, नॉन वेज और साथ ही साथ कश्मीरी फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ की फेमस मिठाई पत्तीसा को भी जरूर इंजॉय करें, जो शुद्ध देसी घी से बनाई जाती है। दोस्तों ये एक तरीके की सोन पापड़ी मिठाई होती है, आप इसका टेस्ट जरूर करें। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इस ट्रिप को पूरा करने में आपका कितना खर्च हो सकता है। दोस्तों अगर आप इस ट्रिप को एक दिन में एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मात्र 2000 से 2500 रुपए में बड़े ही आसानी के साथ में इस ट्रिप को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप यहां पे नाइट स्टे करते हैं, मान के चलिए 3000 से 3500 रुपए में आप बड़े ही अच्छे तरीके से इस ट्रिप को एंजॉय कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इस शानदार और इंजॉयबल जर्नी को बेहद खास और अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी जगहों को बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय करने के बाद में आप आराम से कटरा या जम्मू वापस आ सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपकी पटनी टॉप ट्रिप में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको सही और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों आप हमें अपने परिवार में शामिल कर सकते हैं। परिवार में शामिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।